नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। AAI JEE जूनियर एग्जीक्यूटिव जो बोला जा रहा है, आप लोग JEE को जूनियर इंजीनियर मत समझ लेना, ठीक है, कि फॉर्म ना भरें। JEE मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव, कॉमन कैडर का जो फॉर्म है उससे रिलेटेड क्या कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या है, ठीक है, और इसकी सैलरी वैलरी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रही हैं आपको मैंने बता रखा है कि बहुत ही बेहतरीन जॉब है, जो इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलता है बाकी गवर्नमेंट जॉबों से, यहाँ पे आपको 35% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है बेसिक का, तो बहुत बेहतरीन है। ऑलमोस्ट 1 लाख के अप्रोक्स आपकी सैलरी बनती है, तभी 13 लाख का पैकेज है इसमें, ये ध्यान रखिए। उसका पूरा डिटेल मैंने वीडियो डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को पूरा डिटेल में देख सकते हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है इसका, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से प्रैक्टिस सेट करें, इसका सिलेबस इसका किससे मैच खाता है, ये सब चीज़ें जो भी आपकी क्वेरी हैं इन सब पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग AAI JEE की तैयारी करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो आप परीक्षा प्लस के टीम द्वारा चलाए गए कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो आपको परीक्षा प्लस प्ले जो है प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से वेबसाइट के थ्रू आप वेबसाइट के थ्रू आप live.parikshaplus.org आप ओपन करिए, वहां पे आप AAI JEE के कोर्स से जुड़ सकते हैं जो मात्र 799 का कोर्स है। अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, नोट्स की जरूरत नहीं, टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं, सब कुछ हम लोग आपको देंगे। यहां पर देखिए वीडियो क्लास है, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट है, डाउट सेशन है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, इसके अगर प्रीवियस पेपर भी अरेंज है, जो भी जैसे ATC है तो कुछ चीजें जो कॉमन रही हैं वो चीजें मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहां से आपको प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आप यहां से परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9450006007 और 9129769780, इन नंबर पे आप कॉल करके आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं AAI से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का, जो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या मैं ग्रेजुएट हूं फॉर्म भर सकता हूं, इस पे आते हैं कि बात करते हैं कि ग्रेजुएशन ही चाहिए या इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा आपको डिग्री चाहिए, चाहे कोई कोर्स चाहिए, तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, आप ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से रहो। बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि इससे पहले कई जगह उन्होंने देखा है कि ATC की वैकेंसी आती थी, लेकिन उसमें आपका स्पेसिफाई मांगता था कि फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है ATC जैसा, यहां कॉमन कैडर का है, तो सिर्फ आपका ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया भी नहीं है, ठीक है, आप बस 33% पा के पास हुए हो बस, ठीक है। उसके बाद एज की बात करें तो मैक्सिमम एज इसमें यह है आपकी 27 साल तक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम एज लिमिट है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक एग्जाम होगा, ठीक है, कैसा होगा एग्जाम, आपका CBT मोड होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा और MCQ वाला पैटर्न होगा इसका, मैं अभी आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं इसमें, तो खुशखबरी ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कंडक्ट कौन करा रहा है, IBPS। कब होगा एग्जाम, एग्जाम डेट के बारे में भी मैं बता दूंगा, अभी इसका फॉर्म फिलिंग चल रहा है, तो जो बच्चे ग्रेजुएट हो और अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, सिलेबस बहुत ही आसान है, जो आप SSC में पढ़ते हो ना ऑलमोस्ट मान के चलो वही सिलेबस है, ठीक है। तो अभी फॉर्म इसका फिल हो रहा है, 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 5 अगस्त से और 9 तारीख तक, 4 तारीख तक, 4 सितंबर तक ये आपका लास्ट डेट है 4 सितंबर। तो जो लोग नहीं भरे हैं फॉर्म को, फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में पता चले सर्वर डाउन हो जाए, चाहे कोई समस्या हो जाए, तो फिर दिक्कत आप लोगों को होगी, ठीक है। तो अब हम बता दें आपको कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, तो इसमें आपका जैसा मैंने आपको बताया कि मैथ्स और रीजनिंग जिसकी बहुत अच्छी है ना, उसके लिए एकदम बल्ले बल्ले है ये जॉब, बेहतरीन जॉब है, क्योंकि उसके 40 क्वेश्चन यहां और 40 क्वेश्चन यहां पर, ठीक है। आप देखिए
टोटल 40-40 क्वेश्चन है, टोटल ये आपका पार्ट जो है वही है एसएससी वाला, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो है, साथ ही साथ इसमें साफ साफ बोला है कि करेंट के एस्पेक्ट भी आपसे पूछा जाएगा सिलेबस जब आप देखोगे, तो करेंट वही सेम ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे सीपीयू पीयू में क्वेश्चन आते हैं ना जीए के, वैसे ही क्वेश्चन आपको यहां पर भी पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग की, यही मिला के आपके 80 क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा पार्ट है अगर आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, तो आप इस 80 क्वेश्चन में कुल मिला के मैं बताऊं कि 70 प्लस तो आपका कहीं नहीं गया, अगर बहुत अच्छे बच्चे हैं तो 75 प्लस लेके आएंगे, 70 प्लस तो आप यहीं से ले आओगे, ये ध्यान रखिएगा। 40-40 मार्क्स का मैथ है, 40 रीजनिंग है, बाकी इंग्लिश और जीए, इंग्लिश भी आपका वही एसएससी वाला, एक जीए ही थोड़ा है कि जितना पढ़ लो, खासकर जानते हो जब स्टैटिक चीजें आती है ना तो उतना दिमाग में भरा नहीं जाता है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, लेकिन इंग्लिश एक कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसेज और सब कुछ उसमें दिया है कि सिलेबस में आपका, तो अगर आपने उसको कर लिया तो यहां पर भी आप 35, अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एसएससी वाले बच्चों के लिए, जो एसएससी नहीं भी किया है और मैथ्स रीजनिंग उसकी स्ट्रांग है तो वो अपना फोकस कर ले, अगर उसका जीए थोड़ा सा अच्छा है तो वो जीए में अच्छा कर सकता है, इंग्लिश में अगर अच्छा नहीं है उसका, किसी बच्चे का मान लो कि इंग्लिश अच्छा नहीं है तो वो जीए को अच्छा कर सकता है क्योंकि दोनों का वेटेज सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इंग्लिश, जिनका इंग्लिश अच्छा उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले, एसएससी वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा फायदेमंद हो जाएगा क्योंकि उनकी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों पोर्शन कहीं ना कहीं उन्हीं के सिलेबस के आसपास 70-80% मैच खाता है, ठीक है, तो यहां से भी आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो कि 20-25 प्लस तो आप ला ही सकते हो यहां पर, ठीक है, यहां पर आप 25 प्लस ला सकते हो, बाकी आप इसमें जितना स्कोर कर ले जाओ। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि यहां पर सेफ स्कोर क्या होगा, अगर टोटल की बात करें, ये 150 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरिट हाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जो 5 तुक्का लगाए और बाद वाला जो तुक्का लगाए उनमें थोड़ा सा इसमें ये हो जाता है कि तुक्का वाला भी काम कर जाता है कि पांचों पांचों किसी के सही हो जाए और किसी के पांचों के पांचों गलत भी हो सकते हैं। तो यहां पर अगर सेफ स्कोर की बात किया जाए तो आप इतना मान के चलिए कि 80-85% मार्क्स आप सिक्योर मानिए कि अगर आपका इतना आता है, पर 85% तक आप मार्क्स सिक्योर करते हैं तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम फॉर्म फिलिंग की बात करें कि कितने फॉर्म फिलिंग होंगे, अगर 150 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 80-85% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, परसेंटेज की बात मैं बोल रहा हूं, मार्क्स का बात नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन की बात नहीं बोला, परसेंटेज में लगाया हूं, 80-85% मार्क्स आपको सिक्योर करना पड़ेगा। अब फॉर्म फिलिंग की बात करें तो देखो, इससे पहले तो फॉर्म इसका नहीं कोई डाटा है, लेकिन अगर एटीसी की बात किया जाए, लेकिन वो ग्रेजुएशन बेस पर था, लेकिन वहां पर फिजिक्स से रिलेटेड चीजें मांगी गई थी, फिजिक्स मैथ वाले ग्रेजुएट जो सब्जेक्ट रहा हो उनका मांगा गया था, सिंपल ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया था, इस वजह से उनमें जो फॉर्म पड़ा था वो 16-70K के अप्रोक्स पड़ा था, 60-70 हजार फॉर्म पड़ा था। अगर यहां पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है तो ये चांसेस हैं कि इसके फॉर्म आप कितना ज्यादा होगा, मतलब इससे तो ज्यादा होगा एटीसी से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये आपका ऑलमोस्ट मान के चले, अगर डबल कर दें तो 1.5 लाख के अप्रोक्स मान के चलो कि अगर इसके फॉर्म होंगे, ठीक है, 1.5 लाख प्लस ही जा सकते हैं जैसा यहां पर अगर क्राइटेरिया है, लेकिन मेन बात है कि बच्चे अभी कुछ अवेयर नहीं है। अगर आप समझ लो कि सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन पे आपको 13 लाख का पैकेज दिया जा रहा है तो बहुत जबरदस्त जॉब है, अगर आपके पास मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपकी अच्छी पकड़ है तो बेहतरीन जॉब है आपके लिए। चलिए अब इसमें हम सिलेबस की बात करते हैं कि क्यों मैं बार बार फोकस कर रहा हूं एसएससी पे, इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आप जब देखोगे यहां पर जो आपका सिलेबस है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वाला सिलेबस है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस इसका कम करूं, सिलेबस के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे प्रैक्टिस करना है वो सब मैं बता दूंगा। आप यहां पर देखो जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में एसएससी में दिया गया रहता है, आप क्वेश्चन पेपर देखना, सिलेबस तो उसका नहीं, आप पेपर देखना, और एसएससी का प्री मेंस मिला के मैं बात कर रहा हूं,
प्री मेंस मिला के, क्योंकि अब रीजनिंग मेंस में भी आने लगी है और प्री में भी आने लगा। देखो इमोशन यहां पर देखो, क्रिटिकल थिंकिंग भी आता है, एम्बेडेड फिगर पूछा ही जाता है, क्लासिफिकेशन आपका पूछा अलग से क्या है, जो जो एसएससी में वो सब देखो, ये वाला ये भी एसएससी में पूछा जाता है, ये भी 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 है, पूरा ये नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, उसके बाद से कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ये सब, उसके बाद से देखो हाँ वेन डायग्राम है ना, ये ध्यान रखिएगा, वेन डायग्राम हो गया, पेपर पैटर्न फोल्डिंग वाला हो गया, कंप्लीशन हो गया, ये वाला आपको पता हो गया। हाँ ये देखो, जितना पे रेड मैंने साइन लगाया है, जितने पे रेड साइन मैंने लगाया है, ये सभी आपके क्या हैं, एसएससी से मिलते जुलते हैं। नया क्या है, नया जैसे आपको मिलेगा एड्रेस मैच, यहां पर थोड़ा सा मैं इसका हाँ इसका कलर चेंज करके आपको मैं बताऊं कि यहां पे देखो जो इंडेक्सिंग है, एड्रेस मैचिंग, डेट, सिटी मैचिंग, ठीक है, ये रोल नंबर कोडिंग डिकोडिंग, रोल नंबर कोडिंग डिकोडिंग, स्मॉल कैपिटल लेटर कोडिंग, तो ये आपका उस बात वही हो गई, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, यही टॉपिक बस नया है। कितने टॉपिक, 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक, 5 से 6 टॉपिक बस आपके आउट ऑफ वो है, एसएससी से अलग है। रीजनिंग में 5 से 6 टॉपिक आपके एसएससी से अलग हैं, बाकी आपका मैक्सिमम सेम है। तो जो मैंने कहा था कि 75 से 80% तक आपका सिलेबस एसएससी से मिलता जुलता है, सिर्फ रीजनिंग में 5 से 6 टॉपिक आपके अलग हैं, बाकी सब सेम है। अब पंच एंड होल कार्ड, ये भी थोड़ा नहीं उसमें पूछा जाता है, ठीक है, ये यूपी के जो बच्चे होंगे ना, तो यूपीएसआई ओसाई दिए होंगे, उसमें ये क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, स्पेस ओरिएंटेशन हो गया, तो ये सब टॉपिक मतलब वही आपका, ये ऐसा नहीं है कि ये स्पेस विजुअलाइजेशन और स्पेस ओरिएंटेशन आता नहीं है, आता है एसएससी में, ठीक है। आप जब जाओ मैक्सिमम प्री मेंस वाले में, जब आप हो गया है जब से, तो आपके थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं प्री से, ठीक। अभी हम लोग जनरल अवेयरनेस की बाद में बात करेंगे, अगर मैथ की बात कर लें तो मैथ का पूरा सेक्शन आप देखो यहां पर, जितना है, चाहे वो डिस्काउंट हो, पार्टनरशिप हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, टाइम, मैंने कहा एसएससी के अगर आप प्री और मेंस ये दोनों का सिलेबस आप देख लोगे, क्योंकि यहां पिरामिड की बात कर लें, ठीक है, पिरामिड की बात कर लें, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का बात कर लिया जाए, उसके बाद से यहां पर देखो और कौन सा था, पॉलीगन, ये तो आपका हिस्टोग्राम, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये भी एसएससी में आता ही रहता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका डीआई तो आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लो, ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स देख लो, तो ये सब आपके कहीं ना कहीं प्री मेंस मिला लोगे तो पूरा एसएससी का मैथ जो है कवर हो जाएगा, आपका मैथ्स आपका जो है प्री मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा है। बाकी ये चीजें तो सब में होती हैं, इतना तो सब लोग पढ़ते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर, रूट एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लगाया हुआ है, ट्रेंगल्स एंड वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रेंसी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स, सर्कल एंड इट्स कॉर्ब, टेंजेंट, ये सब चीजें जो है आपके बेसिक्स हैं, लेकिन जब जाओगे तो थोड़ा ये मेंस का जो होगा, एसएससी का होता है सिलेबस में, वो भी चीजें यहां पर थोड़ा सा दे दिया गया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एसएससी से मिलता जुलता है इसका सिलेबस है। अब रही बात जीएस की, देखो जीएस की, तो जीएस में साफ साफ लिखा है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है सीन, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं उसको पढ़ना है अच्छे से, और जो साइंटिफिक रिसर्च है साइंस से रिलेटेड उसे आपको करंट में, खासकर ये चीजें करंट से देखना है, और यहां पर बोला है क्वेश्चन आल्सो टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, ठीक है, तो करंट्स के अब क्वेश्चंस आपके पूछेंगे, करंट्स के क्वेश्चन हो सकता है कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड करंट्स पूछे, ठीक है, एक स्टैटिक टाइप का, तो वो चीजें आपसे यहां पूछी जाएंगी, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी के टच में है जैसा आपके एसएससी में होता है। अगर अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में साफ साफ बोला है, देखो कंप्रिहेंशन पैसेज आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये सब आप देखने को, एंटीनोम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, फिलर हो गया, ग्रामर का पूरा पोर्शन है, वोकैब्स यहां पर लिखी दिया है, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटीनोम्स हो गया,
उसके बाद से यहां पर देखो मिस स्पेलिंग वाला आ गया, आपको एक्टिव पैसिव हो गया तो ये भी आता ही है, एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला हो गया, देखो यहां पर नरेशन पूरा हो गया, ठीक है, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को सफलिंग करके पूछेगा, तो ये सब चीजें क्लोज क्लोज टेस्ट भी आपका यहां पर है। तो ऐसे करके आपके पूरा का पूरा सिलेबस इसने डिफाइन कर दिया कि हम क्या क्या पूछेंगे, और ये भी बोल दिया कि एक पैराग्राफ जो होगा वो किस पर होगा, बेस्ड ऑन द बुक और ए स्टोरी, किसी बुक या इसी स्टोरी पर रिलेटेड पैराग्राफ होगा, और दूसरा एन अदर टू पैराग्राफ, इसके बाद जो दो पैराग्राफ होंगे मतलब टोटल तीन होंगे, ठीक है, शुड बी ए करेंट अफेयर और बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑन एडिटोरियल, किसी करेंट अफेयर के मुद्दे पर या किसी एडिटोरियल पे होगा, साफ साफ लिख दिया है। अब इससे आसान क्या चाहिए कि आपको बता दिया कि तीन आपके कंप्रिहेंशन मतलब पैसेज टाइप के होंगे, जिसमें आपका कंप्रिहेंशन भी होगा, क्लोज पैसेज भी होगा, ठीक है, जिसे आप कंप्लीट करना होगा आपको, ठीक। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, तो यही मैं कह रहा हूं कि एसएससी से मिलता जुलता है, आप खुद देख लीजिए चीजों को, तो यही आपका सिलेबस है एकदम। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, पढ़ना कैसे, तो चलने बता दिया कि जो लोग एकदम इंटरेस्टेड हैं, पूरा डेडिकेटेड बैच आपको दिया जा रहा है, तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org से ज्वाइन कर सकते हो, पूरा सब कुछ मैटर मिलेगा। अगर आपको इसके प्रैक्टिस की अगर बात करें कि कहां से करना है, तो एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके प्री वाले और इधर रिसेंट में जिसमें मेंस में भी रीजनिंग पूछा जा रहा है ना, ठीक है, उसको भी आप लोग उसके क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, एसएससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं इनको आप टॉपिक जो जो इसमें दिया गया है उन टॉपिक के क्वेश्चंस, जो नहीं दिया गया वो नहीं, ठीक है, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे जितना भी है, चाहे वेन डायग्राम है आपका, फिगर पैटर्न है, एम्बेडेड है, ये एसएससी की रीजनिंग जो है ना, मैक्सिमम टॉपिक आपको प्री से मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा, प्री से मिल जाएगा, रीजनिंग जो है आपको, रीजनिंग के मैक्सिमम टॉपिक आप प्री से कवर कर सकते हो, और मैथ्स जो होगा मैथ्स आपको दोनों से कवर करना पड़ेगा, जो मैथ्स होगा वो एसएससी के प्री और मेंस से आप कवर कर सकते हो, क्वेश्चंस लेवल देख सकते हो, और रीजनिंग का मैंने ऐसा बताया आपको कि कुछ आप टॉपिक प्री से देख सकते हो, मैक्सिमम टॉपिक मतलब 70% टॉपिक आपको प्री में मिल जाएगा, बाकी 10-20% आपको मेंस, जब से ये शुरू हुआ है कि मॉड्यूल वाला जिसमें आपके रीजनिंग भी मेंस में पूछा जाता है, वहां से कुछ पोर्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे आपका पंच होल वाला आने लगा है अब उसमें मेंस में, ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद से आपको जनरल अवेयरनेस का भी वही है, आप मेंस वाले से भी देख सकते हो, जो रिसेंट्स के पेपर हुए हैं एसएससी के उनसे भी देख सकते हो, और प्री के जितने पेपर हुए हैं चाहे वो सीपीयू हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, इनके क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हो कि कैसे वो जनरल अवेयरनेस को हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट में, ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्ट में और करेंट के क्वेश्चंस कैसे वो पूछता है। तो आपको पता चल गया कि बेसिकली आपको कहां से पढ़ना है, प्रैक्टिस कहां से करना है। प्रैक्टिस आप ये ध्यान रखिए कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इसके क्वेश्चंस हम कोई भी ना छोड़े, जो भी रिसेंट में क्वेश्चंस बन रहे हैं नए, उन्हें हम जरूर एक बार कैप्चर कर लें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो आप हमसे जुड़ोगे तो हम सब कुछ कराएंगे A to Z, पहले आपका कोर्स, उसके बाद से उससे रिलेटेड प्रैक्टिस, और जो भी किताबें हो सकती हैं हम सब कुछ, आप अपना ई बुक जो होता है हमारे यार कोर्स में, वो ई बुक आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपके जो सवाल थे बेसिकली कि कौन कौन से भर सकता है फॉर्म, तो मैंने बता दिया सभी जो भी ग्रेजुएट हैं, कोई भी उसमें वो नहीं है कि नहीं हम, हमारे लिए पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट चाहिए, सभी ग्रेजुएशन वाले फॉर्म को भर सकते हैं। 27 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, एक टर्म सिंगल टर्म्स आपका एग्जाम है सीबीटी मोड, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, सिलेबस आपका एसएससी से मिलता जुलता है, सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया कि आपको 85% मार्क्स लेकर चलना है, मतलब 150 का 85%, 150 क्वेश्चन है उसका 85% आपको सही करना है, तब आप कहीं ना कहीं 13 लाख का पैकेज पा पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब भी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है आपको AAI JEE से रिलेटेड, कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। हाँ, रही बात कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो अभी आपका 4 सितंबर तक फॉर्म का लास्ट डेट है, 60 दिन का और गैप मान लो, मतलब ऑलमोस्ट महीना मान लो, 4 सितंबर से 4 अक्टूबर से
चार नवंबर, ये दो महीना तो आप मान लो कि चार नवंबर तक तो आप सेफ हो, चार नवंबर के बाद आप कभी भी, मतलब नवंबर लास्ट, ठीक है, नवंबर लास्ट आप कह सकते हो या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि चार तारीख को आपका लास्ट डेट है। अब वहां से आप दो महीना तो मान के चलो, सितंबर से, चार सितंबर से चार अक्टूबर, एक अक्टूबर से नवंबर तक आप सेफ हो, चार नवंबर के बाद ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। आईबीपीएस ज्यादा देरी नहीं करती है अपने एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो जितने भी आपके क्वेरी थी वो सब मैंने आपको बता दिया। अभी भी अगर आपको कोई समस्या है इससे रिलेटेड, कोई प्रश्न है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।